नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब हम सभी लोग जानते होंगे कि बेटियों का बेटों के समान संपत्ति के अंदर अधिकार होता है। जी हाँ, साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर संशोधन कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से साल 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जजमेंट भी पास कर दी गई। अब जब ये जजमेंट पास की गई थी तो यहां पर एक चीज मेंशन की गई कि अगर किसी बेटी ने अपनी संपत्ति के हिस्से के बदले हक त्याग पत्र दे दिया हो, यानी कि रेलिंक्विशमेंट डीड बना दी हो, तो वो बेटी उठकर संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। जी हाँ, अब ये सेम कंडीशन दोस्तों मैं लड़कों के लिए भी ले लेता हूं कि अगर किसी बेटे ने यहां पर संपत्ति के अंदर अपना हक त्याग पत्र दे दिया हो तो वो उठकर संपत्ति में क्या अपना हिस्सा नहीं मांग सकते? जी नहीं दोस्तों, आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जहां पर भले किसी ने हक त्याग पत्र भी दे दिया हो, इसके बावजूद वो संपत्ति के अंदर क्लेम करके अपना हिस्सा वापस पा सकते हैं। और ये बात मैं केवल ऐसे ही नहीं बोलूंगा, विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप लोगों के साथ ये सारी चीज क्लियर करने वाला हूं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हक त्याग पत्र देने के बाद, रेलिंक्विशमेंट देने के बाद भी उसको कैसे कैंसिल करवाकर संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा लिया जाए। दोस्तों अब यहां पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से केवल इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। जी हाँ, आज शाम ठीक 6:30 बजे में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका वहां पर लाइव समाधान आपको दूंगा। आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको दिखाई देगा आई एम लाइव ऑन अनअकैडमी और उसके आगे वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे जाएगा। उस वीडियो के लिंक पर आपको क्लिक करना है और तुरंत उस वीडियो को जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक शाम 6:30 बजे अनअकैडमी पर मैं आपको वहां पर लाइव दिखाई दूंगा। आपकी जो भी समस्या है वो आप मुझे लाइव पुट कर सकते हैं और हम वहां पर जो टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन होता है वो वही होती है जो हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं रेलिंक्विशमेंट डीड के बारे में, यानी कि हक त्याग पत्र के बारे में। देखिए, अब आपको अगर इसे सरल भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कोई भी कोहियर, कोई भी कोपासनर, यानी कि वो व्यक्ति जिसने किसी पैतृक संपत्ति को या किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया है। इनहेरिटेड मतलब जब वहां पर कोई भी विल वसीयत नहीं बना कर गए और ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके पास आ गई। अब वो चाहे पैतृक हो या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, ऐसी कंडीशन में अब कई बार ये देखा जाता है कोई भाई कोई बहन अपनी संपत्ति का जो हिस्सा उनका बन रहा है उसे लेना नहीं चाहता। रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंडिया के बाहर रहता है, किसी दूसरी सिटी में रहता है, या उसके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा है, या प्यार प्रेम के चलते वो उस संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा छोड़ देता है। तो जिस माध्यम से उस संपत्ति के अंदर वो अपना हिस्सा छोड़ा जाता है उसको हक त्याग पत्र कहते हैं, जिसे लॉ की लैंग्वेज में रेलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं। दोस्तों अब कुछ लोग अक्सर इस चीज से लेकर कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि क्या गिफ्ट डीड और रेलिंक्विशमेंट डीड दोनों सेम होता है? जी नहीं दोस्तों, गिफ्ट डीड अलग डॉक्यूमेंट होता है और रेलिंक्विशमेंट डीड अलग डॉक्यूमेंट होता है। जब आप गिफ्ट डीड बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी, इसके अलावा उसको बनाने का प्रोसेस अलग होगा। वही जब बात आएगी इस हक त्याग पत्र की तो ऐसी कंडीशन में इसमें आपको कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। साथ ही साथ ये चीज स्टेट टू स्टेट भी वेराइज होती है, जैसे कि कुछ स्टेट में गिफ्ट डीड के अंदर स्टैंप ड्यूटी ली जाती है, कुछ जगह इसमें छूट दी गई है जब वो गिफ्ट डीड सगे रिलेशन के अंदर शेयर की जा रही हो। तो दोस्तों इसके अलावा अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या सर किसी भी प्रकार की संपत्ति में रिलीज डीड बनाई जा सकती है? जी नहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहां पर इनहेरिटेड नहीं है, यानी कि हो सकता है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ना हो, पैतृक संपत्ति ना हो, ऐसी कंडीशन में वहां पर आप रेलिंक्विशमेंट डीड नहीं बना सकते। वहां पर आप क्या बना सकते हैं? आप वहां पर गिफ्ट डीड बना सकते हैं। बट अगर कोई पैतृक संपत्ति है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, वहां पर आप एक रेलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हैं, हक त्याग पत्र बनवा सकते हैं, आपका काफी ज्यादा पैसा वहां पर बच जाएगा। दोस्तों
अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि सर कोई भी व्यक्ति हक त्याग पत्र बना सकता है। आपने ये तो कहा एंसेस्ट्रल होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर आपने ये नहीं बताया कौन व्यक्ति हक त्याग पत्र बना सकता है। देखिए दोस्तों, एक कोपासनर यानी कि हमवारिस केवल हक त्याग पत्र बना सकता है। किसके पक्ष में? दूसरे हमवारिस के पक्ष में। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर इसको उदाहरण के तौर पर बताओ, मान लेते हैं एक पिता का देहांत हो गया, उनके 5 बच्चे थे जिसमें से 3 बच्चे इंडिया के बाहर रहते हैं। अब तीनों बच्चों ने फैसला किया कि हमारा उस गांव वाली प्रॉपर्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। उन तीनों ने एक रेलिंक्विशमेंट डीड वहां पर बना दी और अपने दोनों भाइयों के पक्ष में बराबर बराबर संपत्ति को छोड़ दिया। या फिर किसी एक के प्रति अगर किसी का ज्यादा प्यार प्रेम लगाव है तो उसके पक्ष में उसने वो हिस्सा वहां पर अपना छोड़ दिया। इसी को दोस्तों यहां पर रेलिंक्विशमेंट डीड कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, चलिए सर रेलिंक्विशमेंट डीड हमें समझ में आ गई क्या होती है, पर आप ये चीज बताएं क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? अगर ये रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के सब क्लोज 1B को ध्यान से देखना होगा। वहां पर इस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए डिस्प्ले पर मैं दिखा के समझा देता हूं ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा है सेक्शन 17(1) सब क्लोज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट एन इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी दस्तावेज, कोई भी ऐसी चीज यूजिंग विच जिसके थ्रू एक राइट या तो क्रिएट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड, हेंस अ रेलिंक्विशमेंट डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड टू गिव अ लीगल वैलिडिटी। इसके अलावा सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट को मैंडेटरी कर देता है, कंपल्सरी कर देता है कि एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए था सेक्शन 17 में जो मैंने अभी आपको समझाया, वो एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। यानी कि ऐसा कोई दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी था, जैसे कि प्रेजेंट केस में हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 17 में लिखा है एक रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। अगर उसको आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, कोरा कागज लेकर आप घूम रहे हैं, नोटराइज लेकर घूम रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कल को आप कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं देखिए सर हमने तो इसको रजिस्टर्ड करवाया था, तो कोर्ट में इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर है आप लोगों को? उन्हीं डॉक्यूमेंट को यहां पर माना जाएगा जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है और उसको रजिस्टर्ड करवाया है। किस कंडीशन में? जब वहां पर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर क्रिएट किया जा रहा हो, कोई राइट किसी चीज को मतलब मालिकाना को ट्रांसफर किया जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन है वो क्या चीज कहते हैं। वो क्लियरली बता देते हैं कि एक रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अब दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट साल 2021 में पास की गई थी। अब जजमेंट का टाइटल क्या था, डेट क्या थी, सिटिएशन नंबर क्या था, ये सारी चीज यहां पर अब आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर ये इसलिए आपको दिखाई जाती है ताकि इसे आप बड़ी इजिली पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल करके डाउनलोड कर सकें और वहां पर पूरी जजमेंट को पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, ये जो जजमेंट पास की गई थी 7 जुलाई 2021 को गुजरात हाईकोर्ट के तरफ से पास की गई थी। यहां पर सेम कंडीशन हुई थी, यहां पर दो सिस्टर थी जिन्होंने एक रेलिंक्विशमेंट डीड बनाकर अपना हक त्याग छोड़ दिया था, यानी कि अपना प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा छोड़ दिया था। बट वहां पर यही कंडीशन क्रिएट हुई थी कि जो वो हक त्याग पत्र बनाया था वो एफिडेविट में था, वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। इस चीज से रिलेटेड बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने यह चीज क्लियराइज की थी कि एक रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। अगर रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो उसकी कानून में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अब दोस्तों ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। अगर कोई पैतृक संपत्ति है जहां पर बेटी ने, बहन ने या आपकी बुआ ने कोई हक त्याग पत्र दिया हो और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो उसकी कानून में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको समय रहते उस चीज पर एक्शन लेना होगा, नहीं तो फ्यूचर में अगर इस पर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और आप इस रेलिंक्विशमेंट डीड को कोर्ट में सबमिट करेंगे तो वहां पर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप लोग कहेंगे सर अच्छा इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है तो हमें रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई बड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं होता, आपको बस एक अच्छे से एडवोकेट के थ्रू रेलिंक्विशमेंट डीड ड्राफ्ट करानी होती है। ड्राफ्टिंग कराने के बाद आपको क्या करना है, उसको दो विटनेस से साइन करवाकर दोनों विटनेस को वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ले जाना होता है। वहां पर जाने के बाद आप दोनों से यानी कि जो रिलिंक्विशमेंट डीड बना रहा है उनसे पूछताछ होती है कि आप किसी दबाव में तो नहीं है, इस तरीके से तो नहीं है, उसके बाद उस डीड को बना दिया जाता है। वहां पर दोनों विटनेस के साइन होते हैं और सभी पार्टियों के फोटोग्राफ किए जाते हैं। उसके बाद आपकी वो डीड बनकर तैयार हो जाती है और मात्र 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी वो रेलिंक्विशमेंट डीड बनकर तैयार हो जाती है। कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता आपका, मात्र 500 रुपए से भीतर भीतर आपका सारा काम हो जाता है। तो फिर भी लोग पता नहीं रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते। अब दोस्तों मान लेते हैं आप लोगों ने रेलिंक्विशमेंट डीड भी रजिस्टर्ड करवा रखी है, मैं बात कर रहा हूं आपने रजिस्टर्ड भी करवा ली, इसके बावजूद कानून में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, प्रोविजन भी हैं जिसके तहत वो रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड को भी कैंसिल करवाया जा सकता है। अब आप लोग हैरान हो गए होंगे कि क्या सर ऐसा भी कुछ है? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहां पर हूं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं तो उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देकर जाता हूं। देखिएगा
वीडियो में आपको वो सभी पॉइंट दिखाई देंगे जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड को भी कैंसिल करवाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, मान लेते हैं आप लोगों ने एक रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड यानी कि हक त्याग पत्र बनाया है, ऐसी कंडीशन में अगर आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है डिस्प्ले पर अब आपको लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, तीनों पॉइंट्स आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला आता है अगर आपसे फ्रॉडली वहां पर उस पर साइन करवा लिए गए हैं। दूसरी कंडीशन आती है अगर आपको फोर्स करके, आपको डरा धमका कर वो एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया, बेसिकली रेलिंक्विशमेंट डीड पर साइन करवाया गया। तीसरी में मान लेते हैं अगर आपको कहकर तो कुछ और लेकर गए थे पर वहां पर जाकर आपसे हक त्याग पत्र पर साइन करवा लिया गया। ये तीनों ऐसी रेलिवेंट चीजें बनती है जिसके माध्यम से आप उस हक त्याग पत्र को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये चीज यहां पर उसी के ऊपर आ जाएगी, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जो उस रेलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज कर रहा है। इसका रीजन ये है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज साफ साफ कहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया गया है प्रॉपर माध्यम से तो पहले उसको यही माना जाएगा वहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। हाँ, अगर ये तीनों कंडीशन क्रिएट हो रही है इसके बावजूद आप उसको वहां पर जाकर कोर्ट में चैलेंज करके कैंसिल करवा सकते हैं एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को। अब दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे कानून के अंदर, हमारे लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहां पर आपको कोर्ट में जाना भी नहीं पड़ेगा और मात्र साल भर के भीतर बड़ी इजीली आप रेलिंक्विशमेंट डीड, गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, पर यह चीज केवल कुछ ही लोगों के लिए है, ऐसा नहीं हर कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। जी नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूं, सीनियर सिटीजन एक्ट। जी हाँ, ये वो एक्ट है जब यहां पर सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। अब दोस्तों, कई बार सिचुएशन देखी जाती है जब सीनियर सिटीजन से यहां पर उनकी प्रॉपर्टी गिफ्ट ले ली जाती है या रेलिंक्विशमेंट डीड के माध्यम से उनका हक त्याग करवा लिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में बाद में उनकी देखरेख करने के लिए मना कर दिया जाता है, उनको जो बेसिक नीड है वो भी नहीं प्रोवाइड कराई जाती। ऐसी कंडीशन में वो सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है, वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर, जो आपके एसडीएम और डीएम कोर्ट के अंदर होता है, आपको कोर्ट भी जाने की नीड नहीं है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके तहत उन्हें बस केवल यही चीज वहां पर प्ली डालनी है कि हाँ, मैंने प्रॉपर्टी इनको रिलीज दी है, गिफ्ट करके दी है, अपनी इच्छा से दी है, पर इन्होंने मुझे बेसिक नीड्स भी यहां पर नहीं प्रोवाइड कराए, जिस वजह से मैं वहां पर वो जो मेरी गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल करना चाहती हूं, मेरी जो रेलिंक्विशमेंट डीड है उसको कैंसिल करना चाहती हूं। ऐसी कंडीशन में मात्र साल भर के भीतर आप उस डीड को कैंसिल करवाकर उसका पोजेशन अपने अंडर ले सकते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को चीज भी पता होगी दोस्तों। इसके अलावा ये बात आ गई सीनियर सिटीजन की। अगर सीनियर सिटीजन से हटके हम उन तीनों पॉइंटों की बात करते हैं जब फोर्सफुली धोखे में रखकर चीटिंग के तहत उनसे वो रिलीज डीड बनवा ली गई, तो ऐसी कंडीशन में 3 साल का समय पीरियड होता है कि उस डीड को वहां पर चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि 3 साल का वहां पर लिमिटेशन टाइम होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे अपने केस की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी जहां पर इसी प्रकार से मैं आप लोगों को लीगल इंफॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा।